हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नर्सिंग विद नेहा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिनरी कैथेटर की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूरिनरी कैथेटर क्या होता है। अ कैथेटर इज़ अ हॉलो फ्लेक्सिबल ट्यूब यूज टू एम्प्टी द ब्लैडर एंड कलेक्ट यूरिन इन अ ड्रेनेज बैग। ये एक हॉलो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने के काम में आती है। कितने टाइप के कैथेटर्स होते हैं? देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कैथेटर। फर्स्ट वन इज़ इंडवेलिंग कैथेटर, सेकेंड शॉर्ट टर्म और इंटरमिटेंट कैथेटर एंड थर्ड इज़ एक्सटर्नल कैथेटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडवेलिंग कैथेटर्स की, ऑल्सो नोन एज अ रिटेंशन कैथेटर। मतलब क्या है? ब्लैडर में ये कुछ समय के लिए स्टे करता है और यूरिनरी लीकेज को रोकता है। इज़ लेफ्ट इन साइड द ब्लैडर फॉर सम टाइम टू प्रोवाइड कंटिन्यूस यूरिन ड्रेनेज। इनड्वेलिंग कैथेटर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉलिस कैथेटर। मेरे पास है एक ये फॉलिस कैथेटर, इसे मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। फॉलिस कैथेटर दो टाइप के होते हैं, एक टू वे होता है और एक थ्री वे। यहाँ पे मेरे पास है एक टू वे फॉलिस कैथेटर। इसमें आपको दो सेपरेट चैनल या ल्यूमन दिख रही हैं। जो फर्स्ट चैनल है वो है यूरिन ड्रेनेज के लिए, जिसके जो दोनों एंड्स पर ओपन होते हैं, और जो सेकंड चैनल है वो बलून इन्फ्लेशन के लिए है। यहाँ पे आप इस देख रहे होंगे कि इसका साइज़ मेंशन रहता है और बलून की कैपेसिटी। ये 16 फ्रेंच का कैथेटर है और इसका कलर कोड है ऑरेंज। मैं यहाँ पे आपको इसमें बलून इन्फ्लेट करके दिखाती हूँ। बलून पोर्ट में हम डिस्टिल वाटर फिल करके बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं, जो कैथेटर को स्लिप होने से बचाता है। थ्री वे फॉलिस कैथेटर में एक थर्ड चैनल होता है, जिसे इरिगेशन चैनल बोलते हैं। इसमें हम स्टराइल सेलाइन और अनदर इरिगेशन सॉल्यूशन इन्फ्यूज़ करके हम ब्लैडर और प्रोस्टेट से ब्लड और ब्लड क्लॉट्स को वॉश आउट करते हैं। मेनली इसका यूज़ आफ्टर सर्जरी में किया जाता है। कॉर्ड कैथेटर। कैथेटर हैव अ 45 डिग्री बेंड एट द टिप। इसमें जो कैथेटर की टिप होती है वो स्लाइटली कर्व्ड होती है। ऐसे पेशेंट जिसमें इलार्ज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। ये कैथेटर प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट अबव एक स्मॉल इंसीजन या होल के द्वारा डायरेक्टली ब्लैडर में इंसर्ट किए जाते हैं। दिस प्रोसीजर कैन बी डन अंडर जनरल, एपिड्यूरल और लोकल एनेस्थीशिया। सुप्रा प्यूबिक कैथेटर के कुछ एग्जांपल हैं मेलिकॉट कैथेटर एंड पेजर कैथेटर। पेजर कैथेटर को मशरूम कैथेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ यूरेटरी कैथेटर। इट इज़ इंट्रोड्यूस फ्रॉम द ब्लैडर इनटू द रीनल पेल्विस विद द हेल्प ऑफ सिस्टोस्कोप। ये थे कुछ इंडवेलिंग और रिटेंशन कैथेटर के एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरमिटेंट कैथेटर की, ऑल्सो नोन एज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेट इन एंड आउट कैथेटर। इसका यूज़ हम दिन में कई बार ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए करते हैं एंड टू ऑब्टेन स्टराइल यूरिन स्पेसिमेन। इसका कॉमन एग्जांपल है K90 कैथेटर। थर्ड इज़ एक्सटर्नल कैथेटर। दिस डिवाइस लुक्स लाइक अ टिपिकल कॉन्डम एंड ऑल्सो वर्न लाइक अ कॉन्डम। ये ऐसे पेशेंट जो ओल्ड एज के होते हैं, जिनका अपने ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं होता है, मेनली यूज़ इन अ यूरिन इनकॉन्टिनेंस और ड्रिबलिंग। जो कैथेटर्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, जो इनके रिटेंशन टाइम को फिक्स करता है। जैसे प्लास्टिक कैथेटर का रिटेंशन टाइम होता है अप टू 1 वीक, रबर और लेटेक्स कैथेटर का होता है 2 to 3 वीक्स एंड PVC 4 to 6 वीक्स, सिलिकॉन 2 to 3 मंथ्स। सो मैक्सिमम रिटेंशन टाइम जो होता है वो सिलिकॉन कैथेटर्स का होता है। अब हम बात करते हैं कैथेटर साइज़ की। एडल्ट मेल के लिए हम यूज़ करते हैं 16 to 18 फ्रेंच, एडल्ट फीमेल के लिए 12 to 16 फ्रेंच, चाइल्ड के लिए 8 to 10 फ्रेंच एंड इन्फेंट के लिए 5 to 8 फ्रेंच। यहाँ पे मैंने स्टार लगा के मेंशन किया है कि 1 फ्रेंच इज़ इक्वल टू 0.33 मिलीमीटर्स। कैथेटर साइज़ के अकॉर्डिंग बलून पोर्ट पर जो है कलर कोड होता है। कलर कोड से भी हम साइज़ का पता लगा सकते हैं। एग्जांपल के लिए सबसे बड़ा जो साइज़ होता है वो 26 फ्रेंच का होता है। इसका कलर कोड होता है ब्लैक। इसका यूज़ हम इरिगेशन के लिए करते हैं।
तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।